मैं एक बस स्टैंड पे गया था, वहाँ पे अभी फिलहाल कोई टिकट नहीं है। ओ भाई सुबह सुबह ये क्या देख लिया, यहाँ बांग्लादेश में नॉर्मल दूध से चाय नहीं बनता है। तो ऐसे चाट मैंने आज तक किसी भी होटल में नहीं देखा है। 1000 टका, ये कुछ ऐसा है 1000 टका। तो ढाका में जो मैंने एक्सपीरियंस था उस समय यही बोल सकता हूँ, बांग्लादेश बहुत ही। वेलकम टू ढाका। आज ढाका में मेरा लास्ट दिन है, आज यहाँ से चले जाएंगे चिटागोंग। पहले तो मेरा बरिशाल जाने का प्लान था, लेकिन उस साइड पे बहुत ही जैम है, मुझे टिकट मिला नहीं क्योंकि अभी ईद का टाइम चल रहा है, तो इसलिए मुझे बरिशाल के लिए टिकट मिला नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं चिटागोंग चला जाऊँ, देखते टिकट मिलता है कि नहीं। अभी जा रहा है यहाँ से स्टेशन, रात के लिए वहाँ से टिकट खरीदेंगे। सुबह सुबह ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा, अभी 7 बज रहा है, लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। ढाका से चिटागोंग जाने के लिए 4-5 ट्रेन है और बस भी है, लेकिन बरिशाल जाने के लिए यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है, बस लेना पड़ेगा या फिर शिप से जाना पड़ेगा। मैं एक बस स्टैंड पे गया था, वहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई टिकट नहीं है और शिप पूरा फुल है, तो मैं बरिशाल जाना कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि, और बरिशाल में मुझे सिर्फ एक दिन रुकना था। देखते अगर टाइम हो पाता है तो मैं फिर से बरिशाल आऊँगा, फ़िलहाल मैं चिटागोंग की तरफ जाऊँगा। पीछे वॉल में पेपर सटा है, वहाँ पे लोग पेपर पढ़ रहे हैं। ओ भाई सुबह सुबह ये क्या देख लिया, खून खराबा। चार दिन से मैं ढाका में हूँ, लेकिन सिर्फ नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, कोई भी बिरयानी या फिर दूसरा खाना ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया है, सिर्फ पराठा चावल जूस यही सब पिया है मैंने, ज़्यादा कुछ खाया नहीं। घूमने के टाइम पे अगर पेट ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं लास्ट में खाना ट्राई कर रहा हूँ। आज यहाँ से निकल जाऊँगा तो सोचा कि आज खाना ट्राई करते हैं, बिरयानी और जो सब कुछ है ढाका में, जो सब फेमस स्ट्रीट फूड या सब कुछ है वो सब ट्राई करूँगा। अगर आप पुरान ढाका आ रहे हो तो होटल्स थोड़ा महंगा पड़ेगा, 1.5 से 2 हज़ार रुपये लग जाएगा होटल्स में आपको पर नाइट के हिसाब से। अगर आप ओल्ड ढाका में होटल लेते हो तो वैसे मुझे इससे कम में कोई होटल मिला नहीं। अभी मैं जिस होटल में हूँ उस होटल को मैंने booking.com से बुक किया था, बहुत ही शोर शराबा है। ओह शिट, अभी मैं जिस होटल में हूँ उस होटल को मैंने booking.com से बुक किया था, तो मुझे लगभग 1500 रुपये करीब लगा। मेरे होटल से ढाका स्टेशन का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, इसलिए मैं चल के ही जा रहा हूँ। अगर आप बाहर घूमने आए हो तो आपको बहुत चलना पड़ता है एक्चुअली, थोड़ा यहाँ पर चाय पीते हैं। चाय भैया? हाँ चाय दाओ। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। तो चाय अभी तक बना नहीं। Yeah, very good tea with some tin milk. Tin milk? Yeah. Yes. Taste is different. Eta ki guro dud? Eta? Powder. Yeah. Powder. Powder lagi bani. Dibba dud. Tumhara normal dud use karo na? Use karo na. Acha. Yahan Bangladesh mein normal dud se chai nahi banta hai. ये टीन का जो डब्बा देख रहे हो इसमें दूध रहता है, जैसे इंडिया में गाय भैंस के दूध से चाय बनता है, यहाँ बांग्लादेश में मैंने ऐसा नहीं देखा है, कहीं पे भी नहीं देखा है। अगर आप ढाका स्टेशन की इस तरफ आओगे तो सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं, आपको बस भी मिलेंगे, बस से भी आप लोग यहाँ से जा सकते हो जिस भी लोकेशन में जाना है। तो मैं गलत साइड पर आ चुका, ये पोस्ट ऑफिस है। मैंने एक भैया से पूछा कि टिकट काउंटर कहाँ पे है, तो मुझे ये पोस्ट ऑफिस है, उन्होंने बोला मुझे उस साइड जाना पड़ेगा, तो गलत साइड पर आ जाएगा। तो आ गए हैं ढाका रेलवे स्टेशन पे, ये रहा ढाका रेलवे स्टेशन। अच्छा स्टेशन है, आर्किटेक्चर अच्छा है। ढाका रेलवे स्टेशन, बांग्लादेश में अगर कोई बाहर का टूरिस्ट आता है तो उनको मैं सोच सकता हूँ बहुत प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे इंग्लिश बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जो भी बैनर या जो भी प्रेस का नाम है सब कुछ यहाँ पे बंगाली पे लिखा है, तो बाहर से जो लोग टूरिस्ट आते हैं मुझे लगता है उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। यहाँ से मिलेगा ट्रेन टिकट,
लाइन तो उतना नहीं है, छोटा छोटा लाइन है, देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं। ये रहा जनरल टिकट, दोनों के लिए लगा 570 टाका ढाका टू चिटागोंग। लेकिन ये ट्रेन है 1 बजे, बाकी कोई भी ट्रेन में मुझे सीट मिला नहीं, तो मेरा फूड एक्सप्लोर का जो प्लान था वो पूरा बर्बाद हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मैं खाना ऑर्डर करने जा रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे एक मेनू रखा हुआ है, तो मैंने मेनू उठाया और मेनू पे लिखा है, ये एक्चुअली बंगाली पे लिखा है, मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, मैंने सोचा था ये मेनू है, कुछ भी सामान अगर टूट गया या फिर ख़राब हो गया उसके लिए क्या क्या फ़ाइन है वो लिखा है यहाँ पे। अगर टेलीविज़न ख़राब हो गया तो 30,000 टका देना पड़ेगा, और अगर सिंगल बेड का चद्दर ख़राब हो गया तो 1,500 टका देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे और भी लिखा है, जैसे कंबल और तकिया और जैसे गमछा और जैसे टीवी रिमोट ख़राब हुआ तो 1,000 रुपये देना पड़ेगा, वैसे पानी का ग्लास अगर टूट गया तो 100 रुपये देना पड़ेगा। कोई मैंने सोचा था ये कोई मेनू है, तो खाना ऑर्डर करने गया और मुझे ये मतलब फाइन चाट मिला। तो ऐसे चाट मैंने आज तक किसी भी होटल में नहीं दिखा है। अभी तक मैंने आप लोगों को बांग्लादेश का टाका नहीं दिखाया है। ये देखो बांग्लादेश का टाका, ये मेरे पास कुछ बांग्लादेश का टाका है, जैसे ये रहा 1,000 टाका, ये कुछ ऐसा है 1,000 टाका, ये दूसरी तरफ पैसा है, और दूसरा है जैसे ये है 500 टाका, ये ग्रीन कलर का, और पीछे की तरफ ऐसा कुछ है, और ये रहा 10 टका, ये है 10 टका, और ये है 20 टका, ये भी ग्रीन कलर का है, ये है 20 टका, और ये है 5, ये है 5 टका, ये है 5 टका, ये पीछे की तरफ ऐसा कुछ है 5 टका, और ये है 2 टका, ये है 2 टका ऐसा है, और 100 टका भी है। फिलहाल मेरे पास 100 टका नहीं है, बाद में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, 100 टका भी है नीला कलर का। तो ये रहा चट्टोला एक्सप्रेस ढाका टू चट्टोग्राम 1 बजे 802, तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। वैसे सब कुछ बंगाली पे लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में भी होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ बंगाली पे लिखा है। तो यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा है प्लेटफॉर्म नंबर 6, 47, 48। ये क्या भाई, टिकट काटने के टाइम पे तो बोल रहा था कि सीट नहीं है, यहाँ पे तो पूरा कमरा खाली है, नॉर्मल सीट है। वैसे मुझे एक्चुअली कोई सीट मिला नहीं, सब बुक है, इसलिए जनरल सीट लिया, फिर भी ठीक है, चलते चट्टोग्राम। बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि चिटागोंग कॉक्स बाज़ार उस साइड जाने के लिए, इसलिए मैं पहले चिटागोंग जा रहा हूँ और उसके बाद कॉक्स बाज़ार जाऊँगा। चिटागोंग है वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन बांग्लादेश। अभी धीरे धीरे जितना टाइम जा रहा है मैं यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी और यहाँ के रूल्स ये सब समझ पा रहा हूँ। एक्चुअली हर एक कंट्री की खूबसूरती डिफरेंट है, जैसे यहाँ बांग्लादेश में ग्रीनरी बहुत है, तो ढाका में जो मैंने एक्सपीरियंस था उससे मैं यही बोल सकता हूँ बांग्लादेश बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं चिटागोंग में।